एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना रखा था। मधुमक्खी और चिड़िया में गहरी दोस्ती थी। एक दिन मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद भर रही थी कि अचानक वह पेड़ से नीचे गिर पड़ी। नीचे तालाब बह रहा था। मधुमक्खी तालाब में गिर गई। चिड़िया देख रही थी। उसने एक पत्ता तोड़कर तालाब में फेंक दिया, जिससे कि मधुमक्खी पत्ते पर चढ़कर बहती बहती किनारे आ गई। मक्खी ने जब ये देखा कि चिड़िया ने उसकी सहायता की है, तो उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया। एक दिन शाम को एक शिकारी आया और दूर बैठकर चिड़िया पर निशाना लगा रहा था कि मधुमक्खी ने देख लिया और जाकर उसके हाथ में काट लिया। इससे शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया की जान बच गई। शिकारी हाथ में दर्द के कारण वापस अपने घर चला गया। जब चिड़िया ने देखा कि मधुमक्खी ने उसकी जान बचाई है, तो मधुमक्खी के पास आई। मधुमक्खी ने कहा, कोई बात नहीं, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने तुम्हारी जान बचा दी। हम दोनों ही एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि मुसीबत तो सब पर आती है और सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, वरना सुख में तो सभी दोस्ती निभाते हैं और दुख में सब छोड़ कर चले जाते हैं। चिड़िया और मधुमक्खी पक्के दोस्त बन गए और वह दोनों साथ साथ रहने लगे। जंगल के बाकी पशु पक्षी भी उन दोनों की दोस्ती की मिसालें देते थे। एक दिन चिड़िया को बहुत ज़्यादा भूख लगी, मगर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। आज तक चिड़िया के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं आई थी। वह चिड़िया सोच रही थी कि क्या किया जाए। तभी चिड़िया की नज़र मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी और वह मधुमक्खी के पास गई। वहाँ पास जाकर उसने बोला, दोस्त मुझे बहुत भूख लगी है, अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो तो बहुत अच्छा होगा, मुझे आज कुछ भी खाने को नहीं मिला है। मधुमक्खी कहती है, ठहरो, मैं तुम्हें शहद देती हूँ। चिड़िया शहद को खाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो जिसने मुझे खाने को दिया। उसके बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को आज बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको भूख लगी थी और मधुमक्खी ने उसकी मदद करी, क्योंकि मधुमक्खी को वो अपना सच्चा दोस्त मानती थी। एक दिन मधुमक्खी उड़ रही थी कि तभी एक फूल के पास जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर एक मकड़ी होती है और वह मधुमक्खी मकड़ी के जाले में फंस जाती है। वह उड़ नहीं पाती है। चिड़िया देखती है और उससे बचाने को चली जाती है। वह मधुमक्खी को मकड़े के जाले से निकाल देती है। मधुमक्खी चिड़िया को देखती है और कहती है, अगर तुम आज नहीं होती तो मुझे नहीं पता कि कौन मेरी मदद करता। चिड़िया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, अगर उस दिन तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं भी भूख के मारे मर जाती। उस दिन के बाद चिड़िया और मधुमक्खी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो दुख के समय अपने दोस्त की मदद करता है।